हेलो एवरीवन दिस इज़ एलेक्स एलिक्समिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन सो अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस का चैप्टर फोर है जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी सो कंप्यूटर मेमोरी के सभी इंपॉर्टेंट एम को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले थ्री चैप्टर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सभी एम को अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो और आज के जो कंप्यूटर मेमरी के हैं हंड्रेड प्लस इंपॉर्टेंट एम को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट देरी के फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ द मेमोरी तो आ, कौन सा जो है रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ़ द साइज ऑफ़ द मेमोरी तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वन स्टोरेज कैपेसिटी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज डाटा सेव्ड परमानेंटली तो इनमें से ऑप्शन में से में आपको बताना है कि डाटा जो है वो परमानेंटली सेव कहाँ पर होता है सो तो, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर टू स्टोरेज में जो है वो डाटा परमानेंटली सेव होता है क्वेश्चन नंबर थ्री है वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज बाय द कंप्यूटर अवेलेबल सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थ्री स्टोरेज नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमरी डज अ कंप्यूटर हैव तो कंप्यूटर मेमरी के जो है वो कितने टाइप्स होते हैं राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फोर दो टाइप की हमारे पास कंप्यूटर मेमरी होती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव प्राइमरी स्टोरेज इज़ डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज स्लो एंड एक्सपेंसिव फास्ट एंड एक्सपेंसिव फास्ट एंड एक्सपेंसिव और स्लो ऑफ स्लो एंड एक्सपेंसिव तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थ्री जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो फास्ट एंड एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज क्वेश्चन नंबर सिक्स है द की फीचर्स ऑफ द इंटरनल मेमोरी इज और आर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर और ऑफ एबव जो की फीचर्स है इंटरनल मेमोरी के वह आपके लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी टेम्परेरी स्टोरेज और फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा गया है इंटरनल स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मेन डैश तो जो इंटरनल स्टोरेज होता है उसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं ऑप्शन नंबर वन हमारा राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर एट है टू काइंड ऑफ मेन मेमरी आर डैश तो दो काइंड ऑफ मेन मेमरी बताना आपको मेन मेमरी के दो प्रकार कौन कौन से हैं राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वन रोम एंड रैम तो रोम एंड रैम जो है वो मेन मेमोरी के दो प्रकार हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है विच मेमोरी इज यूज एज टेम्परेरी मेमोरी तो इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो एज अ टेम्परेरी मेमोरी यूज होती है राइट right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर टू वॉलेटाइल मेमोरी इज़ यूज एज टेम्परेरी मेमोरी क्वेश्चन नंबर टेन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी तो वॉलेटाइल मेमोरी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए ऑप्शन नंबर थ्री हमारे पास यहाँ पर राइट right आंसर हो जाएगा इट लूज इट्स कंटेंट्स ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई तो ये टेम्प्रेरी और दॉलेटाइल मेमरी की डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर इलेवन है कैशे एंड मेन मेमरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स वेन द पावर इज ऑफ दे आर डैश तो कैशे और मेन मेमरी जो है वो अपने दे विल नॉट बी एबल्ड टू होल्ड देयर कंटेंट्स वेन द पावर इज ऑफ सो दे आर कॉल्ड राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थ्री दे आर कॉल्ड वॉलेटाइल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड तो इनमें से कौन सा जो है वो एक्सेस मोड नहीं है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर वन रैंडम सॉरी ऑप्शन नंबर थ्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंटिन्यूस जो है एक एक्सेस मोड नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन डैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज फेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्पोरली स्टोर्ड वाइल इट इज़ बींग एक्से और वर्कड ऑन बाय द प्रोसेसर सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फोर रैम जो मेमोरी का एक टाइप है कंप्यूटर में वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्परली स्टोर्ड वायर इट इज बीइंग एक्सेस और वर्कड ऑन बाय द प्रोसेसर तो ये रैम में जो है वो स्टोर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वायर रैम इज़ सो कॉल्ड नेक्स्ट राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थ्री बिकॉज इट कैन बी सिलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी लोकेशन ऑफ अ चिप नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम तो रैम के बारे में कौन सा यहाँ पर ट्रू नहीं है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर वन रैम इज़ दी सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज तो ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर है ऑप्शन नंबर वन हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट right है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वर्चुअल मेमरी एलोकेट्स हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनल मेमरी कैपेसिटी ऑफ डैश राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फाइव फाइव रैम इसका राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पूछा गया है इनफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी डैश तो जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है रैम में दे नीड टू भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर टू दे नीड टू बी रिफ्रेश प्रियोडिकली क्वेश्चन नंबर एटीन है स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर टू एज डैश राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर टू स्टोरेज दैट रिटेन डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर टू एज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज तो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज जो होता है उसमें जो आपका भी स्टोरेज होता है वो रिटेन करता है ठीक है वो आपका होल्ड रहता है जब पावर ऑफ कर दी जाती है जबकि वॉलेटाइल स्टोरेज में ये आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पूछा गया है डायनेमिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड डैश देन स्टैटिक रैम तो डायनेमिक रैम और जो आपकी स्टैटिक रैम है उनका एक डिफ्रेंशिएशन पूछा गया है राइट right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा डायनेमिक रैम जो होती है वो कंज्यूम करती है लेस मेमोरी एंड स्लोअर होती है देन द स्टैटिक रैम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर इनमें से कौन सी मेमोरी चिप जो है वो फास्टर है राइट right आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री एस रैम जो है इनमें से फास्टर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है द एडवांटेजेस ऑफ डी रैम इज डैश तो एक एडवांटेज आपको यहाँ पर बताना है डी रैम का राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वन इट इज़ चीपर देन एस रैम तो डायनेमिक रैम जो है वो चीपर होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वाट इज़ कॉल्ड द परमानेंट मेमरी बुल्ट योर इन टू योर कंप्यूटर तो आपके कंप्यूटर में जो आप एक मेमरी का टाइप है उनमें इन इनमें से आपको बताने की कौन सी जो है वो परमानेंट मेमरी कहलाती है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर टू रोम जो है परमानेंट मेमरी कहलाती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर यूज़ वैन इट इज़ टर्न ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज बाई द अदर इंस्ट्रक्शन आर कंटेंड इन डैश राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन रोम में जो है जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती है वो आपकी चेंज नहीं होती है ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन रोम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रोम तो जो आपकी रैंडम रीड ओनली मेमोरी का टाइप आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो एक टाइप नहीं है रोम का राइट right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर ई डी रोम जो है ये एक टाइप नहीं है बाकी पी रोम ई पी रोम और डब्ल्यू ई पी रोम जो है ये एक टाइप है रोम के ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वन यू फर्स्ट टर्न ऑन अ कंप्यूटर द सी पी यू इज़ प्री सेट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द डैश तो जब भी एक कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो सी पी यू जो है उसमें एक प्री सेट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन होती हैं वो स्टोर किसमें होती हैं राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थ्री वो रोम में स्टोर होती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैनुफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंजड और इरेज बाय यूजर इज डैश सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फाइव दिज आर रीड ओनली राइट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परली होल्स डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस इज डैश तो उस एरिया का आपको वो नाम बताना है जहाँ पर कि जो आपका डाटा है वेटिंग टू बी प्रोसेसड वो टेम्परली होल्ड होता है तो राइट right आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर टू मेमरी मेमरी वो एरिया कहलाता है कंप्यूटर का द टेम्परली होल्स जो कि डाटा को टेम्प्रोली होल्ड करता है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द डिफरेंस बिटवीन मेमरी एंड स्टोरेज इज़ दैट डिफरेंस बता रहे हैं आपको मेमरी और स्टोरेज के बीच में राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन जो मेमोरी होती है वो टेम्प्ररी होती है एंड स्टोरेज जो होता है वो परमानेंट होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कैशे मेमरी एक्ट्स बिटवीन तो कैशे मेमोरी जो है वो किसके बीच में वर्क करती है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन सी और रैम के बीच में एक्ट करती है ये क्वेश्चन नंबर थर्टी है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फैस्ड फ्रॉम जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस होती है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम की वो फैच होती है कहाँ से राइट right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर टू कैश मेमोरी से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई स्पीड मेमोरी कौन सी हाई स्पीड मेमोरी है विच कंपनसेट द गैप इन स्पीड्स ऑफ प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर वन इट इज कॉल्ड कैश नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू डैश एक्ट एज टेम्पररी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमरी एंड द सी पी ओ दे आर व इम्प्रूविंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर कैशे मेमरी जो है एक्ट हो करती है एज अ टेम्प्ररी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमरी एंड द सी पी ओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इनमें से ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है कौन सी है राइट right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर टू है जो कैशे मेमरीज होती है वो स्मॉलर होती है देन रैन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पूछा गया है डैश इज़ हैविंग मोर मेमरी एड्रेसिज देन आर फिजिकली एवेलेबल राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वन जो वर्चुअल मेमरी होती है हो, उसमें अधिक मेमरी एड्रेस होते हैं देन आर फिजिकली एवेलेबल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वर्चुअल मेमरी इज तो वर्चुअल मेमरी क्या है आपको बताना है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री वर्चुअल मेमरी इज एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा तो डिवाइस की उस एबिलिटी का आपको नाम बताना है ठीक है जिससे वो जंप करती है डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर टू रैंडम एक्सेस एक एबिलिटी होती है किसी भी डिवाइस की टू जम्प डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है द डैश इज़ द अमाउंट ऑफ द डाटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर टू डाटा डिजिटाइजिंग रेट जो है वो कहलाता uh, uh, right. है आपका द अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज स्टोर डिवाइस दैट इज स्टोर स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पूछा गया द मेन डायरेक्ट्री ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड द डैश डायरेक्ट्री तो जो डिस्क की मेन डायरेक्ट्री होती है उसे हम क्या कहते हैं राइट right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थ्री इसे हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी तो याद रखना आपको मेन डायरेक्टरी को हम रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पूछा गया द डैश इंडिकेट्स हाउ मच डाटा इज पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थ्री जो कैपेसिटी इंडिकेट करती है ठीक है कैपेसिटी हमेशा इंडिकेट करती है कि कितना डाटा जो है वो पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम में होल्ड किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस तो स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर का आपको नाम बताना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन है ये रूट डायरेक्टरी हमारी कह लेती है इसे हम मेन डायरेक्टरी भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स मेमरी इज करेक्टराइज बाय लो कॉस्ट पर बिट स्टोर्ड नेक्स्ट राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर टू सेकेंडरी जो आपकी सेकेंडरी मेमरी होती है दैट इज करेक्टराइज बाय लो कॉस्ट पर बिट स्टोरड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू स्टोरेज सॉरी ंड्री स्टोरेज का आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है स्टेटमेंट डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर डज नॉट रिक्वायर मैग्नेटिक मीडिया और कंसिस्ट ऑफ फोर मेन टाइप्स ऑफ डिवाइसिस राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन सेकेंड्री स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर तो इसके लिए कॉन्सटेंट पावर की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एजेंड्री स्टोरेज इनमें से कौन जो है वो एज अ सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ नहीं किया जाता है राइट right आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वन सेमी कंडक्टर मेमरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म डैश राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ एवब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं उनमें डाटा uh, को स्टोर किया जा सकता है बट वो परफॉर्म नहीं कर सकते अर्थमेटिक ऑपरेशन लॉजिक ऑपरेशन और फैच ऑपरेशन को नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव वेयर डू यू सेव द डाटा दैट योर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन वेन द कम्प्यूटर इज़ टर्न ऑफ तो कहाँ पर आप सेव करोगे जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो और वो डाटा जो आपका इफेक्ट ना हो राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थ्री स्केंडरी स्टोरेज डिवाइस में यह डाटा सेव किया जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है द टर्म डैश रेफर्स टू डाटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अ कम्प्यूटर और अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्री डाटा सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो टर्म है स्टोरेज टेक्नोलॉजी रेफर करती है टू डाटा स्टोरेज सिस्टम्स दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज टर्म एज राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फाइव ही आपका कहलाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट पूछा गया है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज दी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस तो इनमें से कौन सा जो है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कहलाता है आपका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर वन हार्ड डिस्क को हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड इनटू तो जो आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं फ्लॉपी डिस्क पे वो डिवाइडेड होते हैं किसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर टू हो सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं फ्लॉपी डिस्क के जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं आपको ध्यान में रखना है वो सेक्टर्स में हमेशा डिवाइड होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी अ ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस ऑल प्लेटर्स इज कॉल्ड अ डैश जो ट्रैक लोकेशन होती है जो कि कट्स होती है अक्रॉस द प्लैटर्स वो कहलाती है आपकी क्या वो कहलाती है आपकी सिलेंडर्स ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज डैश राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर वो आपकी हार्ड ड्राइव होती है ठीक है हार्ड ड्राइव एक प्राइमरी डिवाइस होता है ठीक है दैट अ कंप्यूटर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू हार्ड डिस्क डिवाइस आर कंसिडर्ड डैश स्टोरेज तो हार्ड डिस्क डिवाइस को हम कंसिडर uh, करते हैं एज अ नॉन वॉलेटा स्टोरेज ऑप्शन नंबर फोर हमारा राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है द थिक रिजिड मेटल प्लॉटर्स दैट आर आर कैपेबल ऑफ ऑफ रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन एट अ हाई रेट स्पीड एज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन इन्हें हम हार्ड डिस्क कहते हैं ठीक है हार्ड डिस्क जो होते हैं वो थिक रिजिड मेटल प्लॉटर्स होते हैं दैट आर कैपेबल ऑफ रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन एट अ हाई रेट ऑफ स्पीड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर हार्ड ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर डैश तो किस प्रकार का डाटा स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का यूज़ किया जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री परमानेंट डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है आपका हार्ड ड्राइव में क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव है द हार्ड ड्राइव इज़ नॉर्मली लोकेटेड तो कहाँ पर नॉर्मली जो है वो हार्ड ड्राइव लोकेटेड होती है राइट right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फाइव इनसाइड सिस्टम बेस यूनिट तो सिस्टम बेस यूनिट के अंदर जो है वो नॉर्मली हार्ड ड्राइव लोकेटेड होती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है पूछा गया है डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल तो जो डाटा होता है वो फ्लॉपी डिस्क में रिकॉर्डेड होता है इन रिंग्स तो उसे हम क्या कहते हैं राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फोर ट्रैक्स ठीक है ट्रैक्स में ही आपकी मेनली रिकॉर्डेड होता है uh, जिन रिंग्स में आपके डाटा जो है वो रिकॉर्डेड होता है उसे हम ट्रैक्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया तो इनमें से आपको मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया का एग्जाम्पल बताना है यहाँ पर राइट right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फाइव वन एंड थ्री फ्लॉपी डिस्क और डीवीडी जो है वो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया के क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट है फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गनाइज एज डैश तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं एज राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थ्री ट्रैक्स एंड सेक्टर्स तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं किसमें ट्रैक्स और सेक्टर्स में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन द कैपेसिटी ऑफ थ्री पॉइंट फाइव इंच फ्लॉपी डिस्क इज़ डैश तो थ्री पॉइंट फाइव इंच की एक फ्लॉपी डिस्क है उसकी आपको कैपेसिटी बतानी है राइट right आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फाइव वन पॉइंट फोर्टी फोर एम बी ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज द डैश तो मोस्ट कॉमन जो स्टोरेज डिवाइस होता है किसके लिए एक पीसी के लिए पर्सनल कंप्यूटर के लिए वो कौन सा होता है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर वन फ्लॉपी डिस्क क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन है विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी इनमें से आपको बता रहे कि किसकी स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थ्री जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी इनमें से जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू एफ डी डी की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी गई है तो एफ डी डी की फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ऑप्शन थ्री हमारा राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री है पूछा गया है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इंटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स तो उस प्रोसेस का आपको नाम बताना है जिससे कि जो है वो डिस्क को डिवाइड किया जाता है इंटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर फॉर्मेटिंग ऑप्शन नंबर टू हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट no. है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर पूछा गया है डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन रिंग्स दैट इज कॉल्ड डैश सो राइट आंसर हमारा सेगमेंट ऑप्शन नंबर फाइव राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव टेप ड्राइव प्रोवाइड्स डैश एक्सेस टू डाटा जो टेप ड्राइव्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एज अ वट तो सीक्वेंशियल एक्सेस टू डाटा प्रोवाइड करते हैं ये ऑप्शन नंबर फोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स पूछा गया है मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज डैश राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर टू बिकॉज टेप इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सिक्वेंशियल एक्सेस ओनली तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टोरेज मीडिया जो है वो प्रोवाइड करता है सिक्वेंशियल एक्सेस ओनली ठीक है ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस को प्रोवाइड करता है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर ऑप्टिकल डिस्क एक स्टोरेज मीडिया है जो कि ओनली प्रोवाइड करता है सिक्वेंशल एक्सेस को नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा इनमें से कौन जो है वो मैक्सिमम डाटा को होल्ड कर सकता है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर मैग्नेटिक टेप इनमें से जो है वो मैक्सिमम होल्ड कर सकता है डाटा को क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन है विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स तो रील्स के ऊपर जो माउंटेड होता है स्टोरेज डिवाइस उसका आपको नाम बताना है राइट right आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री मैग्नेटिक टेप्स तो मैग्नेटिक टेप जो है स्टोरेज डिवाइस होता है दैट इज माउंटेड ऑन रील्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज बैकअप डाटा तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो कि यूज़ किया जा सकता है फॉर स्टोरिंग लार्ज बैकअप डाटा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री मैग्नेटिक टेप्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन पूछा गया है ऑन अ सी डी आर डब्ल्यू यू कैन डैश राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर रीड राइट और री राइट इन्फॉर्मेशन तो सी डी आर डब्ल्यू का यहाँ पर मीनिंग है रीड राइट और री राइट इन्फॉर्मेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर एडवा एडवांटेजेस ऑफ सी डी रोम एज अ स्टोरेज मीडिया तो सी डी रोम का जब हम स्टोरेज एज अ स्टोरेज मीडिया यूज करते हैं तो उनके आपको एडवांटेजेस यहाँ पर बताने की क्या एडवांटेजेस हैं राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वन सी डी रोम इज एन एक्स इनएक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री पूछा गया है विच मीडिया हैज़ द एबिलिटी टू हैव डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर ऑन देम बाई यूजर्स मोर देन वंस राइट आंसर हमारा सी डी आर डब्ल्यू डिस्क ठीक है सी डी आर डब्ल्यू डिस्क का जो है इनके पास एबिलिटी है ठीक है इसमें एक एबिलिटी है टू हैव इन्फॉर्मेशन और डाटा स्टोर और रिटर्न ऑन दैम बाई यूजर्स मोर देन वंस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर वाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी डी रोम और सी डी आर डब्ल्यू तो डिफरेंस बताना आपको इन दोनों में राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फाइव अ सी डी आर डब्ल्यू कैन बी रिटर्न बट अ सी डी रोम कैन ओनली बी रीड फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कैन स्टोर अप्रॉक्सीमेटली सिक्स फिफ्टी टू एट हंड्रेड एम बी ऑफ डाटा और सेवेंटी फोर टू एटी मिनट ऑफ म्यूजिक आर तो कॉम्पैक्ट डिस्क का आपको नाम बताना है जो कि स्टोर कर सकती है अप्रोक्सीमेटली छः सौ पचास से आठ सौ एम बी और डाटा डाटा uh, और जो सेवेंटी फोर टू एटी मिनट ऑफ म्यूजिक तो राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर टू सी डी रोम जो है ये स्टोर कर सकती है अप्रोक्सीमेटली दिस एम बी डाटा एंड म्यूजिक ऑफ सेवेंटी फोर टू एटी मिनट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स द सी डी रोम ड्राइव इज़ यूज टू सी डी रोम ड्राइव का जो है यूज़ किया जाता है

सी डी रोम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सी डी रोम जो है एग्जाम्पल है किसका राइट आंसर हमारा कंप्यूटर डिवाइस का ऑप्शन नंबर फोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी डी रोम जो है एक एग्ज़ाम्पल है किसका मेमरी डिवाइस का. Uh, uh, का ठीक है मेमोरी डिवाइस का ये एक एग्जाम्पल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी फॉर रिमूवेबल मीडिया तो कौन सा जो है विच हैज़ द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी इनमें से किसकी जो है लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है फॉर रिमूवेबल मीडिया ठीक है राइट right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थ्री डी वी डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क तो ऑप्टिकल डिस्क का यहाँ पर आपको एग्जांपल बताना है तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो आपका डीवीडी है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क वो एक एग्जांपल एक है किसका ऑप्टिकल डिस्क का डीवीडी वी रेफर्स टू तो डीवीडी का आपको यहाँ पर नाम बताना है ठीक है डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है राइट right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थ्री डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी हम कहते हैं ठीक है राइट आंसर right है ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर एट्टी टू है अ डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो डीवीडी एक एग्जाम्पल है किस प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस का ऑप्शन नंबर वन हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री विच ऑफ डिस्क कैन बी रीड ओनली तो रीड ओनली डिस्क कौन कौन सी है यहाँ पर राइट right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर टू डीवीडी रोम जो है वो uh, यहाँ पर एग्जांपल uh, है किसका डिस्क का रीड ओनली डिस्क का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर पूछा गया है दीज मेमरीज आर यूज इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग डिजिटल कैमरा मोबाइल फोन तो मेमोरी का आपको नाम बताना है जिनका यूज़ किया जाता है मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जिसमें कि आपके डिजिटल कैमरा और मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ होता है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर वन मेमोरी कार्ड का हम यूज़ करते हैं मेनली ठीक है ये कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिजिटल कैमराज में और मोबाइल फ़ोनस में, में भी यूज़ किया जाता है इनका क्वेश्चन नंबर एट्टी है विच इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस तो इनमें से कौन सा जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो राइट आंसर हमारा प्रिंटर जो है एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट्टी है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्केंड्री स्टोरेज डिवाइस तो स्केंड्री स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है आपको बताना है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर फोर रैम जो है एक स्केंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन है द साइज ऑफ एनी वर्ड और नंबर इन अ कम्प्यूटर इज मेजर्ड इन तो किसी भी वर्ड या नंबर का साइज किसी कम्प्यूटर हम किस प्रकार से मेजर करते हैं तो राइट आंसर हमारा बिट्स uh, जो है ऑप्शन नंबर वन बिट्स में हम इसे मेजर करते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी एट है पूछा गया है द टर्म बिट इज शॉर्ट फोर तो बिट का इस्तेमाल किया जाता है इस टर्म का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है तो बाइनरी नंबर्स uh, के लिए यूज़ किया जाता है इसका ठीक है एट्टी एट का राइट right आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री बाइनरी डिजिट के लिए ठीक है बाइनरी डिजिट के लिए हम रेफर करते हैं टर्म बिट को क्वेश्चन नंबर एटी नाइन है अ बिट रेफर्स टू राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फोर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन तो बिट क्या है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका डिजिटल इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन नंबर नाइनटी है विच अमॉ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ फोर बिट्स तो फोर बिट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं तो इसे हम कहते हैं निब्बल तो याद रखना आपको चार बिट्स को चार बिट्स के ग्रुप को हम निबल कहते हैं ठीक है एट बिट्स के ग्रुप को हम बाइट कहते हैं तो हाउ मैनी बिट मेक अ हाफ बाइट तो हाफ बाइट जो है हाफ बाइट को ध्यान में रखना हाफ बाइट को हम निबल भी कहते हैं और ग्रिप ऑफ फोर बिट्स होता है ऑप्शन नंबर टू हमारा राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज तो स्मॉलेस्ट uh, मेजर आपको बताना है ऑफ द स्टोरेज राइट आंसर हमारा बाइट ऑप्शन नंबर फाइव राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री है अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन जीरो एंड वट राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर टू तो बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन जीरोक्शन ऑफ कोलेक्शन का ऑप्शन नंबर थ्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिजिट तो एट बाइनरी का कलेक्शन है इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट दैट इज नॉन एज वट ऑप्शन नंबर टू बाइट तो कलेक्शन ऑफ एट बाइनरी डिजिट In a string format is known as byte. Next to question number 96. Uh, dash are used to measure both computer memory, which is RAM and storage capacity of floppy disk, CD ROM drive and hard device drives. Right answer option number one: bytes use key to measure both computer memory and storage capacity of floppy disk or the CD ROM drives or hard drives. Next to question number 97. पूछा गया है हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू वन बाइट तो वन बाइट में जो है वो आठ बिट्स होते हैं ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर है नेक्स्ट है नाइन्टी एट इंस्ट्रक्शन एंड मेमरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाई तो इंस्ट्रक्शन और मेमरी एड्रेस जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय वट बाय बाइनरी कोड्स ऑप्शन टू हमारा राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन है द कंप्यूटर एब्रीविएशन के बी यूजली मीन्स तो के बी का यहाँ पर मतलब पूछा गया है, तो इसका राइट right आंसर है किलो बाइट नेक्स्ट है वो कितने बाइट आते हैं आपको पूछा पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक हजार चौबीस बाइट्स आते हैं एक किलो बाइट में नेक्स्ट तो है ये अप्रॉक्सीमेटली पूछा गया है तो ये आपकी किलोबाइट बनता है ऑप्शन थ्री राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड तो इनमें से वैलिड स्टेटमेंट कौन सी है आपको बताना है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फाइव है एक एम बी में जो है वो एक हज़ार चौबीस किलो बाइट्स आते हैं ठीक है एक मेगाबाइट में एक हज़ार चौबीस किलो बाइट्स आएंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री अ डैश इज अप्रॉक्सीमेटली अ मिलियन बाइट्स तो मिलियन बाइट्स किस में आएँगे आपको बताना है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थ्री मेगा बाइट में जो है एक मेगाबाइट में अप्रॉक्सीमेटली मिलियन बाइट्स आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर है व्हाट डज़ द कंप्यूटर एवरीवेशन एम बी यूज टू तो एम बी का यूज़ कि, uh, किया जाता है एज मेगाट्स ऑप्शन थ्री हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव द अमाउंट ऑफ मेमरी रैम और रोम इज़ मेजर इन तो मेमरी का जो अमाउंट है वो मेज़र किया जाता है इन बट इन मेगाबाइट्स एम बी में ही आपका मेज़र किया जाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स पूछा गया हाउ मेनी किलोबाइट्स मेक अ मेगाबाइट तो एक मेगाबाइट बनने के लिए कितने किलोबाइट्स की आवश्यकता होती है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर टू एक हज़ार चौबीस जो है वो किलोबाइट्स में किलोबाइट्स आते हैं एक मेगाबाइट में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन अ डैश इज अप्रॉक्सीमेटली वन बिलियन बाइट्स तो एक बिलियन बाइट्स किस में आएंगी तो राइट आंसर हमारा गीगाबाइट गीगाबाइट में अप्रॉक्सीमेटली वन बिलियन बाइट्स आते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 द टर्म गीगाबाइट रैपर्स टू तो गीगाबाइट में क्या आएगा हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 1 बिलियन बाइट्स आएंगे ठीक है या फिर राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1024 मेगाबाइट ठीक है 1024 मेगाबाइट्स कह सकते हैं या फिर 1 बिलियन बाइट्स हम कह सकते हैं ये आपके गीगाबाइट में आएंगे ठीक है राइट right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 109 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज तो लार्जेस्ट यूनिट पूछा गया है स्टोरेज का तो ये हो जाएगा हमारा टेराबाइट ऑप्शन फोर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीरो टेन पूछा गया है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज साइज तो स्टोरेज साइज का जो है पूछा गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज साइज ठीक है सिक्वेंस आपको बताना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फाइव है पहले के आता है देन एम बी देन जी बी देन टी एंड देन पीबी ठीक है किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट एंड देन पैराबाइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन 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 पूछा गया है डैश एच इज अ टेक्नोलॉजी वेयर द कन्वेंशनल डिस्क ड्राइव इज कम्बाइंड विद नॉन वॉलेटाइल फ्लैश मेमरी ऑफ टिपिकली वन ट्वेंटी और मोड टू कैशे डाटा ड्यूरिंग नॉर्मल यूज़ तो नॉर्मली आपको यहाँ पर टर्म भी दे दी गई है एच एच डी डी इसी की आपको फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर टू हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव और आगे आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि हाईब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है इट इज़ अ टेक्नोलॉजी वेअर द कन्वेंशनल डिस्क ड्राइव इज़ कम्बाइंड विद द नॉन वॉलेटाइल फ्लैश मेमरी ऑफ टिपिकली वन ट्वेंटी एट एम बी और टू कैशे डाटा ड्यूरिंग नॉर्मल यूज तो ऑप्शन टू हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो पसंद आए होंगे आपने जो है वो सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो यदि आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा मिलते ने हैं नेक्स्ट वीडियो में ने, थैंक्स फॉर वॉचिंग